सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जो है निकट है, गृह मंत्री अमित शाह का सिरसा दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह की तैयारी है मैम, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की तैयारी जो है, क्या क्या जो है इस दौरे के दौरान देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जनसभा होनी थी, और बहुत दिन पहले मेरा माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो है मिलना हुआ था, उनसे मुलाकात हुई थी, और उस समय भी हमने आग्रह किया था। और उसके अलावा मैंने हमारे माननीय जो प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव जी, उनकी नॉलेज में भी ये बात डाली थी कि अगर जनसभा होनी है तो अगर हमारी लोकसभा के अंदर गृह मंत्री जी आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो तीनों के नॉलेज में हमने ये बात डाली थी, और उन लोगों ने भी आग्रह किया और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने उस आग्रह को स्वीकार किया। तो पूरा का पूरा संगठन और पूरा का पूरा लोकसभा जो है वो पलक पावड़े बिछाकर माननीय गृह मंत्री जी का इंतजार कर रहा है। मैम, चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी खासतौर पर बात करें हरियाणा दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चुनौती देख रही है खासतौर पर, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, और दोनों ही मॉडल को हरियाणा में जो है ले जाने की कोशिश वो करते हुए नजर आते हैं। दोनों ही मॉडल जो है बिल्कुल फ्लॉप मॉडल हैं। सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो है वो उनके कितने मंत्री जेल के अंदर हैं, जो शराब नीति यहाँ पर लेकर आए थे, किस तरह से युवाओं को शराब में धकेलने का वो काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वहां का एक एक नागरिक जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के लोग तो उनको घुसने भी नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये अब जब एक साल रह गया तो उनको आज याद आया है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल आप ये देखिए कि यहां पर धाराशाही हो जाएगी आम आदमी पार्टी। कल जो है आप बात करें तो जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से खरीफ की जो फसलें थी उस पर MSP बढ़ाई गई। कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिलता ही नहीं है, तो ये जो बढ़ोतरी है वो किसी भी जो है जायज नहीं है और ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो कंपैरिजन करें ना तो उनको सब पता लग जाएगा कि उनकी सरकार के समय में किसान भाइयों के साथ क्या होता था और आज क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है, जो हमारे किसान भाइयों को मिलता है, उनकी सरकार में नहीं मिलता था। उनकी सरकार के अंदर हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि किस तरह से 2-2, 2.5-2.5 रुपए के चेक जो है वो एक भद्दा मजाक हमारे किसान भाइयों के साथ उस समय किया जाता था। आज अगर आप देखिए कि मुझे, अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि मुझे 2-3 दिन पहले ही फोन आया था कि जी जो हमारा मुआवजा था, जो वहां पे जो ओले जो वहां पर गिरे थे उसका जो मुआवजा है वो हमारा सिरसा में आ चुका है, और कुछ बल्कि इसके साथ साथ वो कह रहे थे कि जो हमारा फसल बीमा योजना है उसके तहत जो हमारा पैसा है वो भी आप कृपा करके पता करके बताइए कि वो कब तक आ जाएगा। तो किसान जो है अब इतना उत्साहित है और इतना आशावादी है कि अब जो है हमारी सरकार के अंदर उनको चाहे मुआवजे की बात करें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, सब पैसा सीधा उनके खातों में जाता है। लाखों लाखों रुपया हमारे किसान भाइयों को इस चीज के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान भाई जो हैं वो इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैम, अंतिम प्रश्न, जो बयानबाजी गठबंधन को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, एक तरीके से राड तकरार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। JJP BJP की बात करें, प्रभारी जो है सामने से बोलते हैं, वहां से जो है जवाब निकल कर सामने आता है। किस तरीके से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है? कितना जो है फ्यूचर इस गठबंधन का आप देखती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय जो है वो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को लेना है कि गठबंधन रहना है कि नहीं रहना है, कब तक रहना है, कैसे रहना है। तो ये सब निर्णय जो है हमारा वरिष्ठ नेतृत्व लेगा। और जहां तक बात है माननीय हमारे प्रभारी जी की, तो माननीय प्रभारी जी के पास बहुत अनुभव है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं त्रिपुरा के, और इसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बल्कि शायद मुझे ये लगता है कि वो एकमात्र ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं कि जो एक साल भर तक जो है एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। तो उनको उन दोनों चीजों का बहुत अच्छी तरीके से अनुभव है, और इसलिए वो जो भी बात कहते हैं बड़ा सोच समझ कर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जी थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।